Guys, welcome back to my channel, and this is Srabani here. And if you are new to my channel, then hi, this is Srabani and my channel name is Create Your Fashion. And guys, this video is just a life update, and मैं एक किसी टॉपिक में बात करूँगी जैसे कि मैंने लास्ट मंथ में भी किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो प्लीज़ चेक करें, मैं लिंक डाल दूँगी. तो पहले मैं थोड़ी सी मैं अपनी लाइफ अपडेट दे दूँ और उसके बाद मैं जो आज की टॉपिक है उसमें मैं थोड़ा बात करूँगी. तो गाइस, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ दिनों से मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है. और मैं बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा वॉरिड हूँ अपने लाइफ को लेके. क्योंकि जब आपके आसपास, मतलब आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मान लो कि आप कितना भी खुश रहने की कोशिश करो वो नहीं हो पाता है. जब से मैंने वो शांति निकेतन का व्लॉग बनाया था, अगर आपने देखा है वो व्लॉग करके, जब मैं आई हूँ, मेरे फैमिली में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और उसके बाद से अभी तक मेरे साथ कुछ और भी इश्यूज़ हुए हैं मेरे स्टडी को लेके, जिनमें मैं एक्चुअली कुछ दिनों तक इतना ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं आपको नहीं बता सकती. उसको भी लेके मैं एक दिन ज़रूर आपके साथ बात करूँगी, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, उसमें अगर स्टूडेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग एक्चुअली कभी कभी बहुत डर जाते हैं, और कभी वो मतलब एक्सप्रेस नहीं करते. और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होते हैं और हमेशा आपको डराने की कोशिश करते हैं कि ओके, मैं तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो वो देख लेना मैं क्या करूँगी. मेरे साथ कुछ ऐसा ही केस हो गया था जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा वोरिड थी, और अभी भी मैं एकदम टेंशन फ्री तो नहीं हूँ, एकदम अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ मैं तो. ओके, इसको छोड़ते हैं अभी, और आज की जो टॉपिक है चलिए उस पर बात करते हैं. तो गाइस, आज की जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं इस बारे में बात करूँगी. आप ये भी बोल सकते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी. तो गाइस, मुझे लगता है कि अगर आप स्कूल, अगर आप कॉलेज में हैं, मतलब मैं भी कॉलेज में हूँ, तो अगर आपकी लाइफ में, मतलब आप किसी को प्यार करते हैं या कुछ, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उसको लव रिलेटेड, और एक्चुअली हम उसको इग्नोर कर देते हैं पहली दफ़ा में. पर बाद में जब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कंटिन्यू, मतलब आगे बढ़ जाता है, फिर हमें वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा, यू नो, ऐसा लगता है कि ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और दिमाग में और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है अगर सच में आप उस इंसान के साथ इन्वॉल्व हो. सिर्फ प्यार के लिए नहीं, अब मैं सोचती हूँ किसी भी फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, अब अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसको लेके हमारे दिमाग में और ज़्यादा प्रेशर हो जाती है, जो कि एकदम सही नहीं है. क्योंकि उसको वो, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में अगर हैप्पी नहीं होंगे तो शायद प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना स्मूथली आप काम नहीं कर सकते. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल को, मतलब वो अपने पर्सनल लाइफ के कारण प्रोफेशनल लाइफ को कभी प्रॉब्लम में नहीं डालते हैं और काम जैसे ही करते जाते हैं. पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वो नहीं कर पाते. तो इसलिए रिलेशनशिप में ये तो बात मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर रिलेशनशिप, आपको वो चीज़ में वो सॉर्ट आउट करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आगे जाके आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो. ऐसा लगता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए अपने स्टडी या अपने काम को कभी,
मतलब उसको कभी हैम्पर ना करे और जो इश्यूज है वो पहले से सॉल्व करे। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा या कोई बंदी आपको आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो आप पहले से उस चीज़ को देखे और मतलब उस चीज़ को ज़्यादा कंटिन्यू ना करे। ऐसे हमारे साथ बहुत होता है कि हम सोचते नहीं है तो ऐसे ही हो गया और फिर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं और फिर बाद में जाके हम लोग इतना रोते हैं कि मतलब ये तो सबको पता है, ये शायद हर एक इंसान के साथ ऐसा होता रहता है। तो मैं ये सोचती हूँ अगर पहले से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एकदम तभी चले जाओ, अच्छा है कि आप एक बार रो लो, पूरी ज़िंदगी रोने से अच्छा है कि आप एक बार में रो लो। और अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ मतलब कुछ गलत कर रहा है तो तभी आप वहाँ से उसको छोड़ो और आगे बढ़ो और अपने आप के जो काम है उस पर कंसेंट्रेट करो। कोई भी रिलेशनशिप है तो उसमें रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक दूसरे के साथ इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो एक हमें एक रेस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे इंसान को और उसके थॉट को, ये हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि उसकी जो भावनाएं हैं उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं और इसीलिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखें, क्योंकि मैंने भी अपने पर्सनल रिलेशन में ये चीज़ मैंने देखी है कि मतलब अगर रेस्पेक्ट जब चला जाता है तो आदमी कुछ भी बोलता है और रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होने के बजाय वो और भी बुरा हो जाता है। तो नेक्स्ट मैं सोचती हूँ ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी रिलेशनशिप हो, प्यार हो, ट्रस्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो एक दूसरे को ज़रूर ट्रस्ट करें और अगर आपको पहले से ट्रस्ट नहीं है तो उस चीज़ को आप जानने की कोशिश करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप मतलब अगर आपका ट्रस्ट नहीं होगा तो हमेशा आपके लाइफ में प्रॉब्लम चलता रहेगा। और मान लो कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो मतलब आपके साथ किसी ने मतलब धोखा कर रहा है कोई बंदा या कुछ, तो मतलब आप पहले से उसको जानो और जान के उसको उससे पीछा छुड़ाओ अपना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोचोगे नहीं ये तो एक ही दफ़ा हुआ है शायद नहीं होगा, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं नहीं ये तो मैंने अभी कर दिया पर मैं बाद में कभी नहीं करूँगी, पर इसके जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपका लाइफ का मामला है और इसमें यू कांट बी सो यू नो इतना नॉर्मल आप नहीं रह सकते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पहले से देखना चाहिए आपके रिलेशनशिप में वो जो पार्टनर है वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। अगर आपको पहले से लगता है वो नहीं है तो पहले से ही आप मतलब जो डिसीजन लेना है वो ले लेना चाहिए आपको, क्योंकि बाद में जाके पछताने से अच्छा है कि आप पहले से एक अच्छी रिलेशनशिप में जाएं। और फिर मुझे लगता है कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। आजकल की लाइफ में हम लोग इतने बिजी हो गए हमारे सोशल मीडिया में कि हम कभी कभी एक रूम में भी एक दूसरे से अनजान रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम दूसरे जो व्यक्ति है हम उसको नहीं जानते हैं और ऐसे हमारी जो रिलेशनशिप में उसमें कितना प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसा है टाइम स्पेंड करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के साथ समय नहीं बिताएंगे तो आप उस इंसान को कभी नहीं जान पाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये सब चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में, अगर बहुत ओपन हैं आप, कुछ भी नहीं छुपाते और बहुत यू नो जो भी प्रॉब्लम है एकदम आमने सामने बात कर ले तो बहुत ज़्यादा मतलब वो अच्छा रहेगा। मेरी एक फ्रेंड है जो रिसेंटली मतलब उसका ब्रेकअप के बाद उसने अपने आप को एक ऐसे ढंग में बदल लिया जो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। और कभी मैं अगर उसके टॉपिक को लेके बात करूँगी, उसका स्टोरी मैं शेयर करूँगी और उसको अगर मैं वीडियो में लेके आ सकूँ तो आपको और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे आप कि ये नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ नहीं है, आपका ब्रेकअप हो गया तो आप मर गए, आप नहीं मरेंगे, आप जी सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर लाइफ इन अ न्यू वे लाइक द वे यू वांटेड एंड वो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है
अगर वो मेरी वीडियो देख रही है तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, उसको पता भी होगा। एंड मैं उसको बताना चाहूँगी, यू रियली इंस्पायर मी द वे यू चेंज योर लाइफ नाउ, द वे शी थॉट दैट रियली इंस्पायर। आई थिंक सबको इंस्पायर करेगा, सिर्फ मुझे नहीं, अगर आप भी जानोगे तो जो चीज़ें हैं अपने लाइफ में, जो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इसके इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा टाइम दें और चीज़ें पहले से अच्छी रखने की कोशिश करें। और अगर प्रॉब्लम है तो अच्छा है आप पहले ही उस रिलेशन से निकल जाएं और खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है तो बेवजह उसको कंटिन्यू करके और फिर बाद में रोना कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है आप अपना खुद देखें, मतलब तो क्या आपका प्रॉब्लम है वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें और बहुत खुश रहिए लाइफ में। मैं यही आशा करूँगी। प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में है, ब्रेकअप का मतलब लाइफ एंडिंग नहीं है, शायद वो न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसको रिस्पेक्ट करें। कोई इंसान अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसकी कदर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कभी कभी, तो ये ना करें, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड अगर आप ले लेंगे तो दूसरे साइड से भी अगर वो प्यार कम होता जाएगा फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन लाइफ में आने ही ना दे, कोशिश करें कि आप खुश रहें लाइफ में। और बस यही सब आशा करती हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अभी लाइक करें। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट भी रह सकते हैं। और या यहीं पे आज ख़त्म करती हूँ मैं ये वीडियो, और मैं आपको मिलूँगी एक वीडियो के साथ। टिल देन बहुत खुश रहिए और प्यार बांटिए सबको, क्योंकि आप अगर प्यार बांटेंगे तभी आपको प्यार मिलेगा। और बी हैप्पी इन योर लाइफ, आई लव यू।